बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। आपको पता है ख़वातीन हो या हजरात हो, है ना, दोनों में ये कम्प्लेक्स है बालों का मसला दोनों के लिए, है ना। मर्दों में ज़्यादातर गंजपन का मसला और औरतों में क्या होता है कि बाल जो है वो ग्रो नहीं कर रहे। इसके लिए बड़े महंगे महंगे सीरम बिक रहे हैं मार्केट में, 1250, 1500, 2000, 3000, है ना, इस तरह के सीरम बिक रहे हैं। हमारे यहाँ से भी सीरम जाते हैं, हम भी बेचते हैं। लेकिन ये बाज़ जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ जो कि आसान सी हो, जो कहीं भी कश्मीर में भी अवेलेबल हो, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह दस्तियाब हो, वो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप एक हफ़्ते में आपके बालों का झड़ना जो है वो रुक जाएगा। इसके साथ साथ आपके बाल जो है वो लंबे भी होंगे। ये है हेयर ग्रो ऑयल, जो बालों के वज़न को, बालों को भारी करेगा, बालों का वॉल्यूम बढ़ाएगा और बालों को घना करेगा और जल्दी से बाल निकालेगा। ठीक है, बड़ा आसान सा नुस्खा है जी, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, बड़ा ख़र्चा नहीं है। हमने लेना है पीली सरसों का तेल, ये लेना है तकरीबन 150 ml। ठीक है, ये हमने 150 ml ले लिया। अब हमने क्या करना है जी, इसमें हमने 50 ml के करीब हमने इसमें डालना है आंवला का तेल। अच्छा, वैसे आंवला का तेल डालते नहीं हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड इसलिए किया है कि असल में ये ऑयल बनने के बाद थोड़ी हीक करता है ना, आंवला में ज़रा खुशबू होती है तो वो हीक जो है वो कवर हो जाती है। वैसे 200 ml इसमें पीली सरसों का तेल ही डलता है। तो हमने 150 ml पीली सरसों का तेल ले लिया और 50 ml हमने ले लिया आंवला का तेल। अब ये है बाल छड़, ये जड़ी बूटी है। ठीक है, आपने ये करना, एक शीशे का बॉल ले लें या कोई बॉटल ले लें, जार ले लें, उसमें आपने ये जब ऑयल मिक्स कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, तकरीबन 20 ग्राम के करीब इसमें बाल छड़ डाल देनी है। ऐसी तोड़ के आप इसको इसमें डाल दें। ठीक है, अब है जी कलौंजी, कलौंजी हमने तकरीबन इसमें 20 ग्राम डालनी है। ठीक है, ये है मेथी दाना, मेथी दाने को हल्का सा कूट लेना है, मेरे पास साबुत है, हल्का सा कूटना, ज़्यादा नहीं, दलिए की तरह हो जाए, ये इसमें डालना है 20 ग्राम। अब करना ये है कि आपने इसको ढांप के, ये किसी जार में रखें या बॉटल में, शीशे की होनी चाहिए, इसको ढांप के आप धूप में रख दें एक हफ्ते तक। दूसरे दिन, तीसरे दिन इसको अच्छी तरह से हिला दिया करें, फिर ये पड़ा रहे। हफ्ते के बाद समझे ऑयल तैयार हो गया। ये वो ऑयल है जिसमें विटामिन डी भी है और इसमें वो तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं जो बालों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे बाल जो है तेज़ी के साथ लेंथ करेंगे आपके और बालों का झड़ना टूटना जो है वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तरीका इसका ये है कि इस ऑयल में थोड़ी सी अचार की जैसी हीक आती है, उसकी वजह है वो मेथी दाना, है ना, जैसी मर्दमान से हीक आ रही होती है, ऐसी हो रही होती है। तो इसमें हमने आंवला डाला है, वो कम होगी, होगी ज़रूर। करना ये है कि ये आपने ऑयल लिया हथेली पर और ये आपने बालों की जड़ों में लगाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट आपने पूरे सर में मसाज किया। उसके बाद फिर आप बालों की लेंथ से लेके बालों के जो आखिरी सिरे हैं, यानी बाल की कोई पॉइंट खाली ना रहे, सारे बाल पे लगना चाहिए, जड़ से लेके उसके सिरे तक। ठीक है ना, उसके आखिर तक। तो उससे क्या होगा कि बाल जो है आपके 3 से 4 दिन में झड़ना जो है वो रुक जाएंगे। अब दूसरा इसमें मसला एहतियात क्या है कि इसको लगाना ज़रूर है आपने, लाजमी है, रोज़ाना हफ्ता तक, 1 हफ्ते 10 दिन तक। वैसे तो रेगुलर भी लगा सकते हैं बालों को लेंथ करने के लिए, लेकिन नहाना नहीं है रोज़। ठीक है ना, लगाना सुबह शाम है ऑयल, लेकिन जो शावर लेना है आपने वो 2 दिन के बाद लेना है। सर में हल्की सी ख़ारिश होगी, लेकिन वो अच्छा होगा, उससे बालों के जो फॉलिकल्स हैं वो अच्छे होंगे और बालों के जो वदूद हैं उनको ताकत मिलेगी। तो करना ये कि 2 दिन के बाद आपने शावर लेना है, 4 बार आपने ऑयल लगाना है, लगाना इसी तरीके से जी। दुआ में याद रखिएगा, ये हेयर ग्रो ऑयल है, इतना सा मिलेगा आपको 2000 का, ऐसे बेनिफिट वाला ऑयल, इतना सा। तो बेहतर ये घर पे बना लें, बना के इस्तेमाल करें। और ये मेरे यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, मैं पहले बता दूँ, कहीं आप मुझे कॉल कर रहे हो जी हमें दे दें, तो हमारे यहाँ से ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, आपने खुद बनाना लगाना है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह निगेबान।